रांची के तमाड़ में सपना कुमारी हत्याकांड का पुलिस ने उद्भेदन किया। मुख्य आरोपी समेत 5 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि 7 जुलाई को परिजनों ने सपना कुमारी की लापता का सनहा दर्ज कराया था, जिसमें प्रेमी विकास लोहरा पर अपहरण का आरोप लगाया गया था। मामले पर पुलिस ने प्रेमी विकास को 9 जुलाई को हिरासत में लिया और पूछताछ कर छोड़ दिया। 10 जुलाई को सुबह सपना का शव एक तालाब में बरामद हुआ। ग्रामीण एसपी नौशाद आलम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि विकास लोहरा और सपना के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। वहीं सपना प्रेमी पर शादी का दबाव डाल रही थी, लेकिन विकास इससे इनकार करता रहा। वहीं 7 जुलाई को उसने सपना को एक बंद घर में बुलाया और बेल्ट से गला दबाकर हत्या कर दी। मोबाइल से कि नहीं, विकास का ही कहीं न कहीं उसके साथ कनेक्शन था। देर रात में हम लोगों ने उसमें छापामारी किया और उसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार हुई है, जिसमें से विकास लोहरा, कृष्ण कुमार, संगम लोहरा, अजय राय और राहुल सेठ करके, ये सारे लोग तमार के ही रहने वाले हैं। ये कहीं न कहीं विकास के परिचित हैं, दोस्त हैं ये सारे लोग। हत्या का मूल कारण चूंकि प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था और ये अभी तक के जो जानकारी आई है, शायद इसने सिंदूर देकर शादी भी किया था सपना से, विकास ने। वो बोलती थी कि नहीं, मेरे को लेके चलो, घर लेके चलो या फिर हमको ठीक से रखो, लेकिन ये कहीं ना कहीं उसे पीछा छोड़ाना चाहता था। दोनों लोग एक थी, घर से ये निकली थी घटना के दिन में, दिन से घर में कि कह के गई हुई थी कि मैं ट्यूशन पढ़ने के लिए जा रही हूँ मम्मी, हम आएंगे, लेकिन घर नहीं पहुंच पाई। तो फिर तहकीकात हुआ तो जैसे ये पकड़ा गया तो इसने अपने एक बालिया बयान में ये बताया कि नहीं, चूँकि उसको बहुत हम समझाते बुझाते थे लेकिन मेरी बात वो नहीं मानती थी और प्रेशर की, जिसके वजह से हम गुस्सा में आकर, जज्बात में आकर हमने अपना पैंट का जो इनका बेल्ट था उसी बेल्ट से इसका गला दबाकर हत्या कर दिया और वो बेल्ट को ये छुपा भी दिया हुआ था। इस तरह से घटना को अंजाम दिया था। हाँ, गला दबा के वहीं चुके घर था, आई है तमार में मधुसूदन परमाणिक के बंद एक कमरा था, घर था वो बैरन घर पड़ा हुआ था, उसी में ये लोग बैठे हुए थे, उसी में ये घटना का अंजाम। हमको लगता है कि पहले से माइंड सेट इसका वो जरूर रहा होगा। जब ये घटना हो गई तो दिन भर डेड बॉडी वहीं पड़ा रहा। देर रात में अपने दोस्तों को इसने लाश को ठिकाना करने के लिए, लाश को छिपाने के लिए उसने बुलाया और जैसा लोग बता रहे हैं और इन लोगों ने भी अपना एक्सेप्ट किया कि 1:30 बजे रात्रि में लड़की को अपने कंधे पर रखकर वहाँ से जहाँ ये डेड बॉडी हम लोगों को मिला है, करीब तालाब में, करीब वहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी है और बैरन जमीन से एकांत होके ये लोग जाके फिर बदल करके डेड बॉडी को ले जाके वहाँ तालाब में डाल दिया, उसे पत्थर उत्थर भी लगा दिया था कि ये डेड बॉडी बाहर नहीं आए। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।